जनता साहब के साथ आज ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ऐसा ही है। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो। एक और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान है, बड़ी मुश्किलों के बाद वह जेल से छूटकर बाहर आए थे। इस बीच उनकी यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई हो गई। अब्दुल्ला आजम के दो कथित जुआरी दोस्तों के निशानदेही पर प्रशासन जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गई। सबसे पहले लिफ्ट की दीवार तोड़ी गई, तो बाहर आई वो धार्मिक किताबें जो चोरी हो गई थी। इसके बाद जमीन को जेसीबी से खोदा गया तो कथित सफाई मशीन दफनाई गई मिली। बात यही नहीं रुकी, अगले दिन फिर तोड़फोड़ हुई और मिले चोरी किए गए फर्नीचर। ऐसे में जब आजम खान के बेनकाब होने की बात शुरू हुई तो उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार और अधिकारियों पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा डाला। आजम खान साहब के साथ आज ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ऐसा ही है। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो। इस मुद्दे को लेकर यूपी विधानसभा में भी बवाल मचा। हालांकि अगर रामपुर की बात करें तो फिलहाल यहां सपा के लिए माहौल ठीक नहीं चल रहा। इससे पहले रामपुर के उपचुनाव में सपा और आजम खान के प्रत्याशी को बीजेपी ने करारी मात दी। वहीं दूसरी ओर लगातार प्रशासन का शिकंजा आजम खान के ऊपर कसता जा रहा है। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम की गलत सर्टिफिकेट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।